नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। राहुल ने शहडोल जिले के व्यवहारी में जनसभा का विंध्य इलाके को साधने की कवायद की, तो वहीं प्रियंका गांधी आज यानी कि गुरुवार को मंडला से महाकौशल इलाके से समीकरण को एक बार फिर से सेट करने के लिए उतर रही हैं। प्रियंका के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मंडल में जनसभा करके चुनावी अभियान को धार देंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने 4 महीने पहले महाकौशल से ही मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान का आगाज किया था और अब दोबारा से वह चुनावी ऐलान के बाद पहुंच रही हैं। आपको बता दें, 4 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने जबलपुर से चुनावी शंखनाद किया था और अब मंडला में रैली को संबोधित करेंगी। 2018 में कांग्रेस महाकौशल के इलाके में काफी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि कांग्रेस का पूरा फोकस महाकौशल के इलाके में अपने दबदबे को बनाए रखने और पिछले चुनाव के नतीजे को दोहराने की रणनीति है।